अगर आप कॉन्स्टिपेशन कब्ज से परेशान हैं, सुबह सुबह आपका पेट साफ नहीं होता है, तो ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो जैसा कि आप सुनी चुके हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे बेस्ट योगा पोजेस जिनके करने से आप अपनी जो कब्ज की समस्या है उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो कब्ज के बारे में अगर हम बात करें तो समझ लीजिए दोस्तों कि कब्ज होता क्यों है। कब्ज होता है इसलिए क्योंकि हमारे पेट में पानी की कमी होने लगती है और जो हमारा मल होता है वो सूखने लगता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले ही, और फिर जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारा पेट साफ नहीं होता है, और पेट साफ नहीं होता है तो आपको अनेकों बीमारियाँ लग सकती हैं। कहते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आपको पूरा दिन खराब हो जाता है, आपको चक्कर आने लगेगा, कोई भी काम करने में मन नहीं करेगा, ब्लोटिंग, पेट फूलने लगेगा, और हम आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, परेशान रहेंगे पूरे दिन। तो इस समस्या को हल्के में ना लें, इस समस्या को योग के थ्रू पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बस आपको अपनी दिनचर्या पे ध्यान देना है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, नियमित रूप से योग अभ्यास करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो योगासन की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं वो कौन कौन से योगासन है जो आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाएंगे। उससे पहले आप जान लीजिए कि कब्ज में अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास नहीं करते हैं तो समस्या की बात है। आपका खान पीन ठीक नहीं है तो समस्या की बात है, आपका सोना ठीक नहीं है तो समस्या की बात है। तो बात करते हैं कि आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। ये ध्यान रखिए, मैदा से बनी हुई चीज़ कोई भी नहीं खानी है आपको। बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा जो होता है ना ऑयली बहुत खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद चीज़ें कुछ मत खाइए। अगर आप ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे आपकी ये समस्या ठीक होगी। खाना क्या है आपको, स्प्राउट्स, सुबह सुबह खाली पेट आप एक कटोरी स्प्राउट्स खा लीजिए, मूंग वाला खाइए वो बहुत हेल्प करता है, पपाया खा सकते हैं, पपीता, अमरूद खा सकते हैं, वो भी आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प कर सकता है। इसबगोल आता है, इसबगोल की एक भुस्सी आती है उसको भी आप खाएंगे तो वो भी आपके लिए कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल होगी। तो ये तो हुआ आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। अब ये योगासन आप नियमित रूप से करिए, सुबह सुबह खाली पेट करें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो शुरुआत करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, एक एक आसन बताऊँगा कि कैसे कैसे करना चाहिए, और वैसे ही करते रहिए। हमारी सारी वीडियो में यही होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सही क्रम बताता हूँ जिससे कि आपको जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा मिले। चलें शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, इंटरलॉक योर फिंगर्स इस तरह से, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर और ऊपर आ जाइए। दिस इज ताड़ासन। ताड़ासन में देखिए पेट को अंदर खींच के रखिए, दोनों हाथ ऊपर खींचिए, इस तरह से रुके, सांस भर के, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे, इस तरह 30 सेकंड रुके, नीचे चले गए, फिर से 30 सेकंड रुके, फिर नीचे चले गए, फिर से 30 सेकंड रुके और फिर से नीचे चले गए। नंबर वन पे ताड़ासन करना है, 30-30 सेकंड हर आसन को आपको रिपीट करना है। नंबर टू पे क्या करना है, दोनों पैर खोल दीजिए शोल्डर्स के बराबर, त्रियक ताड़ासन करना है। त्रियक ताड़ासन कैसे करेंगे, इंटरलॉक योर फिंगर्स, पाम ये ऊपर, सांस छोड़ के राइट साइड, 30 सेकंड रुके, फिर सांस भर के ऊपर आइए, सांस छोड़ के दूसरी साइड, इसमें भी 30 सेकंड रुकें, फिर से ऊपर आएं, फिर दूसरी साइड जाएं, 30 सेकंड रुके, फिर से ऊपर आएं, फिर से दूसरी साइड 30 सेकंड रुके, इसको भी आप तीन तीन बार रिपीट करिए। तो देखेंगे कि ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन में क्या होता है, जो कुछ भी खाना होता है वो आपके फूड पाइप से धीरे धीरे आपके पेट से होते हुए खींचता है और वो आपके लोअर इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, ठीक है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी आप ज़रूर पीजिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो। तो दो आसन मैं बता चुका हूँ, तीसरा आसन उसके बाद क्या करें, तो जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसी तरह से करते रहिएगा। मैट के कॉर्नर पर आइए, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे ले जाइए, घुटने मोड़ के इस तरह, देखो घुटने मोड़िए और ये पेट को थाई के अंदर ले जाइए, इस तरह स्पाइन स्ट्रेट रखिए, जितना पेट दबना चाहिए ये आपके थाई के अंदर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन दबनी चाहिए। 30 सेकंड कम से कम इसमें रुकिए, जहां तक जा सकते हो, नीचे हाथ नहीं जा रहे तो यहां रुक जाओ, यहां रुकिए, दबाइए पेट को जितना दबा सकते हो, 30 सेकंड से 1 मिनट रुके,
फिर एक पैर पीछे और दोनों पैर पीछे, घुटने नीचे और पीछे बैठ जाइए। उसके बाद अगला आसन हम करेंगे, ये वज्रासन भी है, वज्रासन भी आप कर सकते हो खाना खाने के बाद, कम से कम आप 10 से 15 10 मिनट तक अगर कर सकते हैं वज्रासन तो बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है, ये वज्रासन करें खाना खाने के बाद, यही एक आसन है जो आप कर सकते हैं। अब अगला आसन कॉन्स्टिपेशन में जो आपको हेल्प करता है वो है मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करते हैं, कमर गर्दन सीधी इस तरह से बैठे हुए हैं, मुट्ठियाँ बना लो इस तरह, पूरा सांस बाहर निकालिए और दोनों मुट्ठियाँ नाभि के दोनों साइड लगा के सर को नीचे ले जाना है, पेट अंदर करते हुए। देखिए कैसे, पूरा पहले सांस बाहर निकालो और सांस रोक लेना, पेट अंदर, दोनों मुट्ठियाँ नाभि के दोनों साइड और नीचे जितना जा सकते हो। अब एल्बो थोड़ी पीछे की साइड रखिए, अगर ऐसे रखोगे तो रिबकेज में टकरा जाता, ऐसे नीचे जाना है। ये देखिए जितना जा सकते हैं, पेट के अंदर खींचते रहें मुट्ठियों को, 15 से 30 सेकेंड रुकें, ऊपर आ जाएं। इसको 3 बार रिपीट कर लीजिए। एक बार सामने से दिखा देता हूं, इस तरह से बैठे हैं, देखिए पूरा सांस बाहर निकाल के सांस रोका, पेट अंदर, ऊपर आ गए, 30 सेकंड रुकना है कम से कम, 15 से 30 सेकंड, 3-3 बार इसको रिपीट कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद अब यहां से अपने दोनों पैर आगे खोल लीजिए। कैसे खोलेंगे, इस तरह, और हल्के से पश्चिमोत्तानासन करना है आपको। चाहो तो आप इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठा के ये नीचे चले जाओ और ये पेट को अंदर खींच के थाई के अंदर दबा के नीचे चले जाओ। जो ये नहीं कर सकते वो घुटने मोड़ के इस तरह से ऊपर जाओ जितना आगे जा सकते हो। हमारा टारगेट क्या है, जो थाई हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को प्रेस करनी चाहिए, इस तरह ये प्रेस करें, थोड़ी देर रुकिए इसी में, जितने हो सकता है पैर सीधे करने की कोशिश करो जितने हो सकता है, फिर दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ पीछे और हिप्स को ऊपर उठा लो इस तरह, इसमें रुकें, 3-3 बार इसको रिपीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास जो कॉन्स्टिपेशन के लिए रामबाण की तरह से काम करता है वो है हमारा वक्रासन। वक्रासन को आप कर लीजिए, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस के लिए, एसिडिटी, कब्ज के लिए। वक्रासन या अर्धमत्स्येन्द्र आसन भी आप कर सकते हो, दोनों के लगभग सेम ही फायदे आपको मिलते हैं। तो इसको कैसे करें, दोनों पैर सीधे, लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर रखा और अपने जो बिगनर्स हैं वो क्या करो, लेफ्ट नी को पेट के अंदर खींच लो और राइट हैंड पीछे रख के ट्विस्ट करिए इस तरह, 15 से 30 सेकेंड रुके। जो थोड़े एडवांस प्रैक्टिशनर हैं वो इस तरह से एल्बो से धक्का दें और इस पैर को पकड़ लो और ट्विस्ट करिए, 15 से 30 सेकेंड रुके। फिर सेम ये दूसरी साइड करिए, इस बार राइट लेग लाइए, साइड से देख लो इस तरह, राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड से पेट के अंदर खींचो इस पैर को, कमर गर्दन सीधी रखो एकदम, लंग्स खुले हुए एंड ट्विस्ट। जो थोड़े से एडवांस प्रैक्टिशनर हैं वो एल्बो से इस तरह दबा के ये पैर सीधा पकड़ लो एंड ट्विस्ट, पेट के अंदर दबना चाहिए, ठीक है, 15 से 30 सेकेंड इसमें रुक जाइए और इसको 3-3 बार दोनों साइड रिपीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आसन, दोनों पैर खोल लिए और ट्विस्ट करना है पेट से, ये 30-30 सेकेंड कम से कम इसको 3 बार आप कर लीजिए। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो पेट में मल है उसको आप, जो इंटेस्टाइन से चिपका हुआ है उसको आप धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं, धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं और वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है। और पानी पीने का आप ध्यान रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, हमेशा ध्यान रखिए। डब्बा बंद चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, ये बहुत नुकसान देती हैं अगर आप कॉन्स्टिपेशन में, जैसे नमकीन हुआ, बिस्किट हुआ, ये पूरी तरह से, मैदा पूरी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला अभ्यास, 30-30 सेकंड 3 बार कर लिया, उसके बाद अगला अभ्यास आप करेंगे लेट के सुप्त मत्स्येन्द्र आसन, 3-3 बार रिपीट करेंगे। पीछे लेट गए, दोनों हाथ खोले हुए, लेफ्ट एंकल राइट थाई पे रखा, लेफ्ट नी को राइट हैंड से पकड़ के नीचे गिरा दिया, ट्विस्ट, चेहरा राइट साइड, 15 से 30 सेकंड रुके, पेट को अंदर खींच के और ट्विस्ट करें, ये पैर पेट की साइड खींचो, नाउ कम बैक, दूसरी साइड सेम यही करना है, फेस दूसरी साइड इस तरह रहता है, ये देखिए ऐसे है ना,
कम बैक, वापस आ जाइए। उसके बाद दोनों पैर सीधे, अर्ध पवन मुक्त आसन। ये राइट लेग को पेट के अंदर खींचना है, खींचो जितना खींच सकते हैं, और चिन को नीचे लगाओ। अगर आपको बैक पेन रहता है तो चिन ऊपर ना उठाए, बैक पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है तो फेस ऊपर ना उठाए ऐसे। फिर दूसरे से 30 सेकंड रुके, 30 सेकंड इससे करना है। तीन तीन बार इनको रिपीट करना है, और उसके बाद आपको पूर्ण पवन मुक्त आसन कर लेना है। वो कैसे करेंगे, दोनों घुटने ऐसे पेट के अंदर खींचो, एकदम खींचिए, और चिन को नीचे लगाने की कोशिश करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में फेस ऊपर नहीं उठाना, और ये खींच के रखो, 30 सेकंड रुको कम से कम, खींच के रखिए जितना खींच सकते हैं। पेट को दबाइए, दबाइए जितना दबा सकते हैं। ये, और उसके बाद लेट के थोड़ा ट्विस्टिंग करिए इस तरह, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं 15 से 30 सेकंड, और पवन मुक्त आसन एक मिनट कम से कम होल्ड करो। और उसके बाद आप एक साइड करवट लेके ऊपर आ जाइए, और करना है मलासन। मलासन में इस तरह से बैठ जाते हैं, देखिए ऐसे पंजे थोड़े से बाहर रखिए, ये ऐसे, और इस तरह नमस्कार मुद्रा में बैठ जाएं। ये रहेगा आपका मलासन, ये आसन करिए। इसी में अगर आप आगे और बढ़ना चाहते हैं तो दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़िए, सांस छोड़ते हुए हिप्स ऊपर उठा लें, श्वास भरते हुए नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, इस तरह, ये नीचे, ठीक है। और उसके बाद पीछे बैठ जाइए थोड़ा सा, थोड़ी देर वज्रासन 15 से 30 सेकंड, बटरफ्लाई कर लीजिए। ये सारे आसन आप तीन तीन बार रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक का आपका ये अभ्यास हो गया है। नियमित रूप से करें, लास्ट में सीधे बैठ जाएं, राइट हैंड से लेफ्ट नहीं पकड़ें, ट्विस्ट योर लेफ्ट साइड सेंटर, दूसरी साइड ट्विस्ट करें, पेट अंदर ट्विस्ट करते रहें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आप कब्ज की समस्या से परेशान थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, पेट आपका पूरी तरह से साफ होने लगेगा। अभ्यास करके देखिए, ठीक है। तो हमने ये वीडियो बनाई, वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इन फ्यूचर आप किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो बना पाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, एंड मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।